देश में अपने मजबूत तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ इस लोकसभा चुनाव में कितनी मजबूती के साथ मतदान करता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ सीट का चुनाव यहाँ मौजूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नजरिए से भी तय होता है। गौरतलब है कि ये विश्वविद्यालय हाल ही में तब सुर्खियों में आया था जब लोगों को पता चला कि यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। वहीं कई राजनीतिक पार्टियों ने इसको लेकर बवाल भी काटा था। हालांकि इस लोकसभा सीट की बात करें तो फिलहाल ये बीजेपी के पास है। 2014 के चुनाव में बीजेपी के सतीश गौतम ने यहां से एक तरफा जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के अनुसार इस सीट पर कुल 17 लाख से ज्यादा वोटर हैं, इनमें 9 लाख से ज्यादा पुरुष और करीब 8 लाख महिला वोटर हैं। अलीगढ़ जिले में करीब 80% हिंदू जनसंख्या और 20% मुस्लिम जनसंख्या है। अलीगढ़ लोकसभा के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, इनमें खैर, बरौली, अतरौली, कोल और अलीगढ़ सीटें हैं। ये सभी सीटें 2017 विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पाले में गई थी। आपको बता दें कि 1952 से लेकर 1957 तक इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसके बाद से इस सीट के आम चुनाव पर लगातार 4 बार अलग अलग पार्टियों ने जीत दर्ज की। हालांकि 2009 में बहुजन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार राजकुमारी ने जीत हासिल की, लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी एक बार फिर से यहां की सत्ता पाने में कामयाब रही। गौरतलब है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर हुए विवाद के बाद से इस सीट पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां कर सकती हैं। यही वजह है कि अब सभी की निगाहें इस सीट पर बनी रहेंगी। स्पेशल डेस्क, खबर चौराहा।